पिछले चैप्टर में मैंने आपको ब्रीदिंग ऑर्गन बताए थे डिफरेंट एनिमल्स के, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट्स कि अलग अलग तरीके हैं जानवरों के चलने के। ऑल एनिमल्स मूव, सभी एनिमल्स मूव करते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, मेक देयर होम और नेस्ट, प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर यंग वंस। वो भोजन की तलाश में घर बनाते हैं और घोंसले बनाते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए और अपने आप को वेदर से बचाने के लिए। सम एनिमल्स लाइक द चीताज रन वेरी फास्ट बट सम आर वेरी स्लो मूवर लाइक द टॉर्टोइस। अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन जो टॉर्टोइस होता है, जो कछुआ, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। सम एनिमल्स मूव ऑन लैंड, कुछ जानवर जमीन पर चलते हैं। सम स्विम इन वाटर, कुछ पानी में तैरते हैं। एंड सम फ्लाई इन द एयर, और कुछ पानी हवा में उड़ते हैं। तो कुछ तैरते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। अब अलग अलग हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट ऑफ लैंड एनिमल्स, जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं उनका मूवमेंट कैसा होता है। मैनी लैंड एनिमल्स लाइक टाइगर लायन हॉर्स हैव फोर लिम्स, इनके चार लिम्स आप देख रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, जो आगे के दो होते हैं उनको हम फोर लिम्स कहते हैं, जो पीछे के दो होते हैं उनको हम हाइंड लिम्स कहते हैं। ये इसमें लिखा भी है, द फ्रंट लिम्स आर नोन एज फोर लिम्स एंड द बैक लिम्स आर नोन एज द हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स कहते हैं। सम ऑफ देम सच एज हॉर्स यूज ऑल फोर लिम्स टू मूव, घोड़ा है ये अपनी चारों टांगों, आगे के दोनों फोर लिम्स और पीछे के दोनों हाइंड लिम्स को यूज करता है दौड़ने के लिए, जबकि सम अदर्स यूज ओनली द हाइंड लिम लाइक रैबिट, जो खरगोश है वो अपने हाइंड लिम को यूज करता है चलने के लिए। आगे है मूवमेंट ऑफ सम स्पेशल लैंड एनिमल्स, जमीन पर रहने वाले जानवरों का कुछ स्पेशल मूवमेंट, जैसे कि लिजर्ड्स टॉर्टोइस क्रोकोडाइल विच आर कॉल्ड द रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं, जो रिंग रिंग कर चलते हैं, हैव लेग्स बट दे आर वेरी शॉर्ट, इनके देखो आप देख रहे हो छिपकली के छोटी छोटी लेग्स हैं, ये बड़ी शॉर्ट होती है, सो दे कैन ओनली क्रॉल, ये क्रॉल करती है, रेंग कर चलती है। स्नेक्स आर रेप्टाइल, स्नेक्स भी रेप्टाइल है जिसके कोई लेग्स नहीं होती है, आपने साफ देखा भी है उसके लेग्स नहीं होती है। इसकी बॉडी पे स्केल्स और प्लेट्स होती है और ऑन द अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी के निचले हिस्से पर स्केल्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये मूव करता है। अर्थवर्म मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सटेंडिंग देयर बॉडी, और जो अर्थवर्म आपने देखा होगा बरसात के दिनों में अर्थवर्म निकलता है, वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ कर थोड़ा सा पार्ट बॉडी का बाहर निकालता है, फिर जब आगे का भार आगे मूव कर जाता है तो पीछे के भार को खींचता है अपनी तरफ और धीरे धीरे मूव करता है। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स टू वॉक, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके छह लेग्स होते हैं वॉक करने के लिए। एंड्स चीटी एंड कॉकरोचेस क्रॉल यूजिंग देयर लेग्स, आपने देखा कॉकरोच वगैरह ये उड़ भी सकते हैं और ये चलते भी हैं अपने लेग्स की सहायता से। सम इंसेक्ट्स लाइक द ग्रास ऑपर होप विद देयर सराउंडिंग हाइंड लिम्स, जो ग्रास ऑपर होता है ये पिक्चर दिखाई थी मैंने जिनकी सुनी, ग्रास ऑपर ये अपने हाइंड लिम्स से क्या करता है, होपिंग करता है। सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं, उनके विंग्स भी होते हैं और जो उनके विंग्स छोटे छोटे स्केल से बने होते हैं। दे मूव देयर विंग्स विद द हेल्प ऑफ देयर चेस्ट चैम्बर, उनके चेस्ट चैम्बर में विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होता है, बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होता है। वी नो दैट मोस्ट बर्ड्स फ्लाई इन थ्रू देयर विंग्स, आपको पता है पक्षियों के पंख होते हैं जिसकी वजह से उड़ते हैं, और इनके आगे के फोर लिम्स, दो पाओ भी देखिए आपने फोर लिम्स होते हैं, दे पुश देमसेल्फ इन द एयर बाय मूविंग देयर विंग्स अप, दे पुश देमसेल्फ, वे अपने आप को पुश करते हैं जब हवा में अपने आप को पुश करते हैं इन विंग्स की हेल्प से, एंड डाउन ऊपर नीचे, आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, ऊपर नीचे करते हुए देखा होगा, आपने देख रहे हो पंख हैं जो इनके ऊपर नीचे ऐसे करते हैं ये, और इनकी बॉडी छोटी स्मॉल होती है और लाइट बॉडी होती है, हल्की बॉडी होती है जिसकी हेल्प से ये फ्लाई करते हैं। दे यूज देयर हैंड लिम टू रन, दौड़ने के लिए हैंड लिम का यूज करते हैं, मूव करने चलने के लिए करते हैं, होपिंग करने के लिए करते हैं, शिकार करने के लिए और ग्राउंड को स्क्रैच
स्क्रच का मतलब होता है कुरदना, कुरदने के लिए करते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ढूंढने तो मिट्टी को भी ये कुरद देते हैं। सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच कीवी एक्सेट्रा कैन नॉट फ्लाई, लेकिन ये आप पेपर में आ सकता है नेम सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, तो आप लिखेंगे ऑस्ट्रिच कीवी। क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडी एंड वीक विंग्स, क्योंकि इनके जो बॉडी होती है हैवी होती है और जो इनके विंग्स बड़े कमजोर होते हैं जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकते। अब है नेक्स्ट आ गया मूवमेंट ऑफ वाटर एनिमल्स, अब था लैंड का, अब है वाटर एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। फिश प्रॉन फ्रॉग टर्टल पानी में स्विम करते हैं। फिश मूव थेयर बॉडी फ्रॉम साइड टू स्विम, क्या यूज करती है बॉडी, फिश मूव देयर बॉडी एंड टेल फ्रॉम साइड टू साइड, दोनों का यूज करते हैं फिश का भी और टेल का भी पानी में स्विम करने के लिए। और इसकी बॉडी पे फिन्स होते हैं जो इसको डायरेक्शन चेंज करने में और बैलेंसिंग करने में हेल्प करते हैं। एंड स्टॉपिंग व्हाइल स्विमिंग, चेंजिंग डायरेक्शन एंड स्टॉपिंग व्हाइल स्विमिंग, और आपने फिश को चलते हुए देखा है, आपने देखा है फिश जब चलती है तो एकदम झटके से मूवमेंट करती है, तो इसकी ये जो फिन्स होते हैं ये इसको मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करते हैं। ये देखो फिश की पिक्चर है, ये टर्टल है और ये फ्रॉग। टर्टल हैव पैडल्स, टर्टल के पैडल होते हैं लाइक लिम्स, टर्टल हैव पैडल, अंडरलाइन कर लो, टर्टल का आ जाए तो वो पैडल से मूव करता है, लिम्स पैडल लाइक लिम्स होते हैं, जैसे साइकिल का पैडल होता है ऐसे लिम्स होते हैं स्विम करने के लिए। और पेंगुइन के क्या होते हैं, पेंगुइन यूज देयर विंग्स लाइक फ्लिपर्स, फ्लिपर्स की तरह यूज करता है। प्रान एंड ट्रेडपोल यूज देयर लेग्स टू स्विम, और जो प्रान और ट्रेडपोल है ये अपने स्विम करने के लिए लेग्स यूज करते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका मूवमेंट में ह्यूमंस कैसे मूव करते हैं। आप पता है हम लोग तो अपने जो लिम्स होते हैं ह्यूमन के हाईली डेवलप्ड है, हमारे वी ओनली फोर अवर लेग्स वन पेयर ऑफ लिम्स टू रन और वॉक। आपको पता हमारे दो टांगे होते हैं जिनसे हम चलते हैं और दौड़ते हैं, दो हमारे हाथ होते हैं और एंड फ्री टू डू अदर थिंग, जब हम चलते हुए भी हमारे हाथ फ्री होते हैं जिससे हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। इन फैक्ट इन टाइम ऑफ डेंजर लेग्स आर यूज टू रन, यदि हम कोई मुसीबत आ जाती है कोई कुछ भी कोई घटना हो जाती है तो हम दौड़ पड़ते हैं एंड हैंड्स टू अटैक, और अपने हाथों से उस पर आक्रमण भी कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। इसका क्या मतलब है, हम हाथ पैरों से चल भी सकते हैं और साथ में साथ में अपने जो फोर लिम्स हैं हमारे हाथ हैं उनको यूज भी कर सकते हैं। तो बेटा आज का इतना टॉपिक था, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। थैंक यू।